सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक विषमताओं के बीच उच्च शिक्षा के अवसर एवं संसाधन सुलभ कराने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी। प्रख्यात जननेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से पहचान बनाने वाले गढ़वाल विश्वविद्यालय को वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तराखंड राज्य में अवस्थित इस विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना काल से ही विकास के अनेकों सोपान तय किए हैं। शिक्षा के सीमित अवसरों के कारण होने वाली कठिनाइयों को समझते हुए विश्वविद्यालय ने दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच बनाने को प्राथमिकता दी और यही कारण है कि विश्वविद्यालय ने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ पर्यावरण संवर्धन, आरोग्य हितार्थ, पुरातन ज्ञान एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर तैयार किए गए अनेकों पाठ्यक्रमों का संचालन किया है। विश्वविद्यालय के यह सभी अध्यापन व शोध पाठ्यक्रम कुल 11 संकायों के अधीन 51 विभागों के माध्यम से बिरला परिसर श्रीनगर, विस्तार परिसर चौरास, स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाही हॉल टिहरी, एवं बी गोपाल रेड्डी परिसर पौड़ी में संचालित किए जा रहे हैं। गंगा एवं हिमालय के प्राकृतिक परिवेश में पर्यावरणीय अनुकूल क्रियाकलापों के माध्यम से विश्वविद्यालय ने सबको शिक्षा देने के साथ साथ समाज को दिशा देने के अपने उत्तरदायित्व का भली भांति से निर्वहन किया है। विश्वविद्यालय के इन अभिनव प्रयासों में चित्रा, सैर सलीका अभियान, निर्बल एवं असहाय जनों तक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई योजना साथ उल्लेखनीय है। सेकी के सहयोग से अपने परिसरों में 880 केवीए विद्युत क्षमता युक्त ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना एवं बरसाती पानी को संरक्षित कर निचले क्षेत्रों में पानी के स्रोत तैयार करने हेतु रिचार्ज पिट्स की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर ली है। कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल के नेतृत्व में 11 हिमालयी राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों व संस्थानों के संघ के माध्यम से नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना के तहत भारतीय हिमालयी क्षेत्र की समस्याओं के अध्ययन का विषय हो अथवा राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों नमामि गंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित इन कार्यक्रमों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। विवेकानंद पर्यटन सर्किट को राज्य नियोजन में सम्मिलित किया जाना विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण प्रयास है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में स्वच्छता अभियान व हिमालय निनाद का आयोजन जन जागृति की दिशा में एक प्रयास है। प्राकृतिक आपदाओं के वैज्ञानिक कारणों के अध्ययन के साथ साथ आपदा के समय विश्वविद्यालय द्वारा प्रभावित जन समुदायों तक सहायता एवं भागीदारी सुनिश्चित की जाती रही है। कुछ समय पूर्व रैणी गांव में आई आपदा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक झील बनने के कारणों के तथ्य जुटाने में संलग्न थे। वहीं विश्वविद्यालय के NSS के छात्र आपदा प्रभावितों के सहयोग में सेवारत रहे। समाज के अंतिम पायदान पर अवस्थित व्यक्ति तक विश्वविद्यालय का शोध सुलभ करवाने की दिशा में HAPPRC के अंतर्गत 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित अल्पाइन शोध केंद्र तुंगनाथ के तत्वावधान में उत्तराखंड के 27 गांवों में लगभग 3159 काश्तकारों को औषधीय एवं सगंध पादपों के कृषिकरण से जोड़ने के अभियान के सकारात्मक प्रभाव, इन लोगों की आर्थिकी में सुधार, पलायन पर रोकथाम व रोजगार प्राप्ति के अवसरों में बढ़ोतरी के रूप में सामने आए हैं। कोरोना महामारी के भयावह कालखंड में भी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन अध्यापन व वेबिनार्स के माध्यम से शैक्षिक एवं पाठ्येतर क्रियाकलापों का अबाध रूप से संचालन किया।
और इस बीच विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के 400 शोध पत्र भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। खेल गतिविधियों की आधुनिक सुविधाओं का विकास, हिमालय क्षेत्र की प्राचीन धरोहरों के परिष्कृत प्रदर्शन के उद्देश्य से संग्रहालय में रीडिजाइनिंग ऑफ एक्टिविस्ट्स का प्रयास, जैव विविधता पार्क का निर्माण एवं वर्तमान कुलपति के नेतृत्व में विगत 4 वर्षों से अनवरत रूप से दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय की प्रमुख उपलब्धियों में सम्मिलित है। विश्वविद्यालय के विकास एवं उपलब्धियों में समय समय पर सेवा देने वाले शिक्षकों, कर्मियों एवं पूर्व छात्रों का विशेष योगदान रहा है। लगभग 12,000 से अधिक विद्यार्थियों, 250 शोधार्थियों, 260 से अधिक प्राध्यापकों एवं 600 से अधिक कर्मियों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो पाया है। यह विकास यात्रा आम व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा एवं रोजगार के लिए पलायन कर रहे युवाओं तक स्वरोजगार की मूलभूत आवश्यकताओं के संसाधनों की सुलभता तक निर्बाध रूप से चलती रहेगी। इस अवसर पर शंभुनाथ शेष की यह पंक्तियां दीक्षा प्राप्त कर रहे प्रत्येक युवा के लिए प्रेरणादायी जान पड़ती हैं। जीवन में कुछ कर दिखला तू, अपनी बिगड़ी बात बना ले, अपने ही अंतर ज्वाला से नवजीवन की ज्योत जगा ले। अचरज से क्या देख रहा है, यह तेरी ही प्रतिछाया है। मान सरोवर के दर्पण में क्यों न रूप अपना दर्शा ले। परिवर्तन को समझो कुछ संकेत नियति के, आत्मशक्ति के ओ विद्रोही, अपना ही संसार बसा ले, अपना ही संसार बसा ले, अपना ही संसार बसा ले।